आज मैं फतेहपुर को फतह करने आया हूं, और जब तक ये फौज साथ नहीं देगी तो फतह करना बहुत मुश्किल है। हमें सुन्नियों का जलसा है, मिलाद पढ़ने वाला सुन्नी, सुनने वाले सुन्नी, सजाने वाले सुन्नी, लगना चाहिए कि आला हजरत वालों का मजमा है। मोहब्बत से कह दो या हुसैन, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, हिंदुस्तान से लेके चाइना तक। होता कुछ लोग चाइना के बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं। चिश्ती आपसे निवेदन करेगा, चाइना और पाकिस्तान की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अगर सुकून चाहिए तो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आ जाओ। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्नेसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, आला हजरत का नाम सुनने के बाद अगर कलेजे में ठंडक ना पड़े तो सुन्नियत किस चीज का नाम है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और सयाजम पे बने बेसर उसामा मददे क़िबला इद हिमददे काबा इमाम मददे बगिरता बे बलफता दे कश्ती ज़ईफा ने शिकस्ता रात पुष्टी बहक ख्वा जाए उस्मान हारून। मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुरमत रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोयमा क़ादरियम नारा या गौसे आज़म मीज़नम दमजे शेख अहमद रजा खां क़ुतबे आलम मीज़नम। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज, दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم في محبت سے باواز بولیں صلاة وسلام علیک یا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم في محبت سے باواز بولیں بلغ الاولى بکمال کشفت جاب جمال حسنات جميع خزائنه صلی اللہ علیہ والہ منبر پاک پہ خصوصیت کے ساتھ अली रसूल शहजादे बतूल पैकर इखलास व मोहब्बत आजीज़ीन की सारी के पैकर हज़रत अल्लामा सैयद साबित अली कादरी साहब खलीफे नय्यरे मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। दाएं जानिब कद में छोटे लेकिन वक़ार में बहुत बड़े हज़रत हलचल सीवानी क़िबला व काबा, जिनको देखने के बाद तबीयत मस्त हो जाती है। इनको देखना भी सवाब है, इनको सुनना भी सवाब है, और मोहब्बत के साथ इनको छूना भी सवाब है। शायर अहले सुन्नत हजरत शम्स कलकत्तवी ने अपनी अभी अपना कलाम बलागत निज़ाम सुनाया। ये अलग बात है कि आप कहीं खोए हुए थे और मुराकबे में थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कलाम पेश किया। दीगर उलमा शोरा तशरीफ रखते हैं, मैं बिल्कुल वक्त की पाबंदी के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, इतने जोर से बोले कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो ही जाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। आला हजरत का कलाम है, समझ में आए तो एक बार सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो दो बार सुभान अल्लाह, ताकि मैं समझ जाऊं कि फतेहपुर में समझदार कितने हैं, ना समझ कितने हैं। सुबह तैबा में होगी बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। सदका लेने नूर का आया है तारा। मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देख के तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह, अभी थोड़ी देर में रसूल का बेटा शहजादाए गौसे आजम हज़रत नय्यरे मिल्लत जब तशरीफ लाएंगे तो अंदाजा लगा लेना कि 1400 साल के बाद हुसैन का बेटा ऐसा है तो करबला का हुसैन कैसा होगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
का ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही 12वीं शरीफ का चांद आसमान पे नजर आया, फेसबुक पे छोटे छोटे मुफ्ती नमूदार हो गए। अच्छा अच्छा हजरत, जैसे बरसात के बाद हलचल भाई, कीड़े मकोड़े जाहिर होते हैं ना, वैसे ही रसूल की 12वीं का चांद नजर आने के बाद मिलाद कहाँ लिखा है, जुलूस कहाँ लिखा है, जलसा कहाँ लिखा है, झंडिया कहाँ लिखा है, ये तकसीम मिठाई करना कहाँ लिखा है। और गजब की बात तो ये है कि ये सवाल वो अल्लामा साबित साहब से नहीं करते, वो जानते हैं कि अल्लामा साबित साहब दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये सवाल अल्लामा हल्दर सीवानी से नहीं करेंगे, दीगर उलमा से नहीं करेंगे, किससे पूछेंगे, स्कूल के बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से, यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछेंगे, झंडा कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है, जुलूस कहाँ लिखा है, जलसा कहाँ लिखा है, नबी की विलादत की खुशी मनाना कहाँ लिखा है। ओ फतेहपुर के सुन्नियो, अगर तुमसे कोई कलाई पूछ के कलाई पकड़ के पूछे कि नबी का मिलाद करना कहाँ लिखा है, तो घबराना मत, आला हजरत का नारा लगा के और उसका गिरेबान पकड़ के कहना सुन्नियो के मुकद्दर में लिखा है, सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, हमारे नसीब में लिखा है, हमारी तकदीर में लिखा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आगे आपसे पूछेंगे सुन्नियों ये मिलाद कब तक करोगे, जी जी नमाज़, ये भी सवाल है कि मिलाद कब तक करोगे, कब तक करोगे, 2 साल तक नहीं, 4 साल तक नहीं, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल। हमें इशारा समझा करो, 24 साल, डबल 12। मिलाद कब तक करोगे सुन्नियों, रसूल की मिलाद कब तक करोगे, झंडा कब तक लगाओगे, झंडा कब तक लगाओगे, सजावट कब तक करोगे, कुमकुमे कब तक लगाओगे। फतेहपुर वालों, मसलके आला हजरत की छत से छाया में अबरू मंदाना जिंदगी गुजारने वालों, अगर कोई गुस्ताखे मुस्तफा, अगर कोई मिलाद का मुनकर, अगर कोई नबी का दुश्मन, अगर कोई मिलाद से चिढ़ने वाला तुमसे पूछे कि ये नबी का मिलाद कब तक करोगे, 100 साल तक नहीं, 200 साल तक नहीं, 300 साल तक नहीं, 500 साल तक नहीं, ये नबी का मिलाद कब तक करोगे, तो सैयद साबित अली कादरी ने मुस्कुरा के कहा अगर कोई पूछे कि नबी का मिलाद कब करोगे, तो सुन्नियों कहना इस सवाल का जवाब तो आला हजरत ने दे दिया है, बरेली वाले ने दे दिया है, इमाम अहमद रजा ने दे दिया है, फाजिल बरेली ने दे दिया है, ताजुश शरिया के नाना ने दे दिया है कि नबी का मिलाद कब तक करना है। पूछेगा नबी का मिलाद कब तक करोगे, तो ताजुश शरिया के नाना मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजदे के किले गिरा दे जाएंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती। नारे का जवाब ऐसा दीजिए कि लगे आला हजरत वाले हैं, मखदूम अशरफ वाले हैं, नैयद है, मेरे नारे तकबीर ये अल्लाह ऊपर, हमें नबी का मिलाद है, नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आप दीजिए, बता दीजिए कि हम भी हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंटार की आमद, नूर की आमद, नारे रिसालत, नबी आ रहे,
जलसे का नाम हजरत ने बड़ा शानदार रखा है, आमदे रसूल आमदे सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। झूम के बोलो या हुसैन। कितना मजा आ रहा है ना कि नाना की महफिल में नवासे का नारा लग रहा है। आप तो बड़े भाग्यशाली हो, सैयद साहब की शक्ल में रसूल के बेटे को देख रहे हो, नबी का जिक्र भी सुनो, नबी के शहजादे को भी देखो। मीलाद में झंडा लगाना बिदात है। अच्छा अच्छा, बोलने का अंदाज बिदात लगता कि यहां से आवाज निकल रही है बिदात। हर काम में बिदात बिदात बिदात, ये झंडा लगाना क्या है? जिब्रील की सुन्नत है लगाना, जिब्रील की सुन्नत है लगवाना, खुदा की सुन्नत है। अगर कोई माइक का लाल इस रिवायत को गलत साबित कर दे तो वाला हजरत का ये गुलाम, सैयदों का ये गदा, जिंदगी भर उसका जूता अपने सर पे रख के पूरे फतेहपुर में घूमने के लिए तैयार है। हम पागल नहीं हैं, हम दीवाने नहीं हैं, हम जानते हैं कि नबी की मिलाद की हकीकत क्या है, नबी की मिलाद की शान क्या है, मुस्तफा की आमद की बरकत क्या है। अभी रसूल आए नहीं है, आने वाले हैं। रब फरमाता जिब्रील। अच्छा फतेहपुर वालों, एक बात आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है कि जिब्रील भी सुन्नी है। मोहनपुर, अच्छा मोहनपुर, माशाल्लाह मोहनपुर के भाग्यशाली लोगों। अल्लामा शमीम साहब ने कानों में ऐसा दम किया कि मैं बादम हो गया। बाप है आदम इसलिए मैं हो गया बादम। जिब्रील सुन्नी है, बिल्कुल सुन्नी है। जो अकीदा आपका है वही जिब्रील अलैहि सलाम का है। हमें आपने तो रसूल की मिलाद में झंडा बाद में लगाया, वो पहले लगा रहे। आपने तो रसूल के शहजादों का कदम बाद में चूमा, वो तो सबे मेराज में मुस्तफा के कदमों को चूम रहे। अफ़ज़ल माता जिब्रील, महबूब जा रहा है, हबीब जा रहा है, नबी जा रहा है, कुछ होना चाहिए। अच्छा मोहनपुर वालों, जब तुम्हारे घर में बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, बेटे का खतना होता है, किसी का वलीमा होता है, खुशी मनाते हो कि नहीं? अमे जब तुम बंदे हो कि खुशी मनाते हो, औकात के मुताबिक खुशी मनाते हो, वो तो रब है, वो तो सब है, वो तो परवरदिगार है। उसने अपने महबूब की आमद में कितनी खुशी मनाई होगी। जिब्रील तीन झंडे लेके जाओ। कितने झंडे? जोर से बोलो ना भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद आने वालों को दिक्कत ना हो। कितने झंडे कहां लगाना है? एक काबे में, एक बैते मुकद्दस में, एक सैयद आमना के मकान पे जिब्रील आए। एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया, बैते मुकद्दस पे लगा दिया, सैयद आमना के मकान पे लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अच्छा मोहनपुर वालों, एक बात बताओ, जलसे के बाद ये माइक यहाँ रहेगा? अरे बोलना भाई, वो तो माइक वाला चक्कर में है कि मौलाना हटे तो हम डटे। अच्छा जलसे के बाद सैयद साहब यहाँ रहेंगे? आप खुद नहीं रहेंगे? जलसा खत्म, आप अपने घरों को चले गए, मैं कहीं जाऊंगा, हलचल भैया कहीं जाएंगे, शमशे भाई कहीं। अच्छा कल सुबह ये टॉयलेट रहेगी? नहीं, हेलोजन, ये पिंडाल भी कल तक शायद नहीं रहेगा। जब तक जलसा है, जब तक खुशी है, जब तक मुसावत है, जब तक शादमानी है, जब तक नबी की मिलाद की खुशी है, सारी चीजें रहेंगी। मिलाद खत्म, जलसा खत्म, प्रोग्राम खत्म, सारी चीजें हटा दी जाएंगी। पिंडाल को निकल दिया जाएगा, लाइट को निकल दिया जाएगा, माइक को हटा दिया जाएगा। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, नबी की आमद की खुशी में तुमने जो झंडा काबे में लगाया था निकाला कब? जोर से या हुसैन, या हुसैन। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, रब के कहने पे, रब के इरशाद पे, रब के हुक्म पे जो झंडा काबे पे लगाया था आमदे सरकारे मदीना के मौके पे,
निकाला कब? 2 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के बाद नहीं, 8 महीने के बाद नहीं। मैंने पूरी कायनात से पूछा कि जब जिब्रील ने अहमद रसूल का झंडा लगाया देखा, आसमान ने कहा मैंने भी देखा, चांद ने कहा मैंने भी देखा, आफ्ताब ने कहा मैंने भी देखा, सितारों ने कहा हमने भी देखा, सारे फरिश्तों ने गवाही दी कि रसूल की आमद से पहले झंडा जिब्रील ने लगाया, सबने देखा मगर निकालते हुए किसी ने नहीं देखा। तो मैंने जिब्रील से पूछा कि रसूल की आमद की खुशी में जो झंडा लगाया था निकाला कब, निकाला कब? जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा चिश्ती निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं। मैंने कहा मतलब? कहा कि मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा कि लगाने का ऑर्डर था लगा दिया, निकालने का ऑर्डर नहीं मिला नहीं निकाला, लगाने का ऑर्डर था झंडा लगा दिया, हटाने का ऑर्डर नहीं मिला नहीं हटाया। मोहनपुर के कई जुल मुसलमानों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यही कहना चाहते हैं कि नबी की आमद के मौके पे जो झंडा खुदा ने काबे पे लगवाया था वो आज भी काबे पे मौजूद है, आज भी हरम पे मौजूद है, आज भी काबतुल्ला में मौजूद है। अब वो झंडा ऐलान कर रहा है कि सुन्नियों सीना ठोक के कहा करो कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद हमें क्यों ना मनावा यार। बहुत अच्छे, नबी आए मुस्तफा आए, झूम के बोलो सरकार की आमद, इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका मदीना मदीना हो जाए, सरकार की आमद। सरकार के दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरे पोते की पैदाइश हुई मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अल्लाह करे कि हमको भी काबे के तवाफ का मौका मिल जाए, हमें कम से कम आमीन तो कह दो। दादा फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि काबा झुकने लगा झुकने लगा झुकने लगा, काबा एक समत को झुक रहा है, हमें पूरी दुनिया काबे के सामने झुकती है, ये काबा कहाँ झुक रहा है। दादा कहते हैं कि मैं ताज्जुब से काबे को देखा, काबा झुका और झुका और झुका, और जब मैंने गौर किया कि काबा किधर झुक रहा है तो मैंने देखा वो मेरे बेटे अब्दुल्ला के मकान के आगे झुक रहा है, मुस्तफा की मिलाद जहां हुई उस मकान के आगे झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं समझ गया कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं दौड़ता हुआ हजरत आमना जो मेरी बहू थी उनके मकान पे पहुंचा और मैंने चाहा कि अंदर दाखिल होके पूछूं क्या हुआ है। दो लोग लंबे चौड़े हाथ में तलवार कहते ओए अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? ये मेरा मकान है, मेरी बहू का घर है, मेरे बेटे का घर है, अब मुझे ही रोका जा रहा है। उन लोगों ने कहा हम फरिश्ते हैं, हम इस दुनिया की मखलूक नहीं है, हम फरिश्ते हैं, जरा ठहर जाओ रुक जाओ, खुदा का महबूब आया है, फरिश्ते उनका दीदार कर रहे हैं, फरिश्ते जियारत कर रहे हैं, फरिश्ते ताजीम कर रहे हैं, ये नबी की आमद का सदका है, ये नबी की आमद की शान है। मुस्तफा का आना सुभान अल्लाह, मुस्तफा का पैदा होना सुभान अल्लाह, मुस्तफा का दुनिया में आना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान हर साल ना ठोक के कहता है सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा। अच्छा मोहनपुर वालों एक सवाल का जवाब दो, उलमा नहीं कहेंगे, आप बताइए, बड़ा बिरयानी खाया तुमने रसूल के नाम पे, बड़ा गौस पाक के नाम पे मुर्गा तोड़ा है, जरा जवाब भी दीजिए। ये बताइए कि मुस्तफा जाने रहमत के अब्बा का नाम क्या है? जरा अदब से बोल यार, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला। सरकार की अम्मी भी मोमिना है, सरकार के अब्बा भी मोमिन है, सरकार के अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला, पूरा मजमा का हजरत हजरत सुभान अल्लाह, और अम्मी का नाम क्या है? सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला ना। एक पॉइंट बहुत काम की चीज, अल्लाह का नबी अभी आमना के शिकम ही में है कि आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया,
यानी इंतकाल हो गया। और जब हजरत अब्दुल्ला ने विसाल किया तो आसमान के फरिश्तों ने रब से कहा, मौला तेरा महबूब यतीम हो गया। रब फरमाता, फरिश्तों नो टेंशन, अपने महबूब का निगेबान मैं खुद हूं। मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश से पहले, पैदा होने के पहले, दुनिया में आने के पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। क्यों? ए अल्लाह, तूने महबूब के बाबा को महबूब की पैदाइश से पहले दुनिया से क्यों बुला लिया? रीजन है, वजह है, इसमें अल्लाह की हिकमत है, मशीयत है। नबी की पैदाइश से पहले अभी नबी माँ के पेट ही में है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। मैं सैयद साबित अली कादरी साहब के कदमों को चूम के आप तक पहुंचाऊं कि नबी के अब्बा का इंतकाल नबी की पैदाइश से पहले क्यों? तो मोहनपुर वालों, रब की मशीयत का है कि चिश्ती अगर मुस्तफा की पैदाइश के बाद भी हजरत अब्दुल्ला होते तो मुमकिन था कि दूसरा बेटा भी पैदा होता। झूम के बोलो या हुसैन। अगर हजरत अब्दुल्ला रसूल की पैदाइश के बाद भी जीवित होते, दुनिया में होते, तो हो सकता है कि एक दूसरा बेटा पैदा होता, दूसरा बेटा पैदा होता। अब शाने नबूवत देख, शाने रिसालत देख, कुरान कहता है वह तो अज़रू हो, वह तो वक्त रू हो, मेरे महबूब की तासीम और तकरीम करो। आने वाले की शान क्या है? आने वाले की बुलंदी क्या है? आने वाले की बुलंद पाएगी क्या है? अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने महबूब की तासीम किस अंदाज में करवाना चाहता है? रब की मशीयत ने जवाब दिया, चिश्ती अगर मुस्तफा की पैदाइश के बाद भी उनके बाबा हयात ज़ाहिरी में होते तो हो सकता है कि कोई दूसरा बेटा पैदा होता, और दूसरा बेटा अगर पैदा होता तो वो बड़ा होके मेरे महबूब को भाई कहता, वो बड़ा होके मेरे हबीब को भाई कहता, वो बड़ा होके मेरे मुस्तफा को भाई कहता। अब रब की रहमत ने कहा, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि कोई मेरे मुस्तफा को भाई कहे, कोई मेरे हबीब को भाई करे कहे, कोई मेरे महबूब को भाई कहे। इसीलिए मैंने हजरत अब्दुल्ला को दुनिया से पहले उठा लिया ताकि दूसरा बेटा ना हो, कोई रसूल को भाई ना कहे, कोई महबूब को भाई ना कहे। अगर मुस्तफा को कहना ही है तो शम्सुद्दोहा कहो, बदरुद्दोजा कहो, इमामुल अंबिया कहो, शाहकारे कुदरत कहो, काबे का काबा कहो, तैबा का आका कहो, इमामुल अंबिया कहो। कोई मुस्तफा को भाई ना कहे। अगर कहना ही है तो बरेली के ताजदार के स्टाइल में ये कहे कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्प ऐब तनाही से है बरी, ऐना हूं मेरे शाह के क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खलके का आका कहूं तुझे। नबी की मिलाद, नबी की मिलाद, नबी की। एक साहब ने कहा, मौलाना, मैंने कहा फरमाना। बोले लीजिए नजराना, जरा मसला तो बताना। मैंने कहा मत शर्माना, मैं हूं आला हजरत का दीवाना। वाह, खोल के रख दूंगा पूरा इल्मे का शामियाना। बोला ये तो बारा वफात है। हमको अच्छा, बारा वफात, बारा वफात। आप लोग मिलाद क्यों मनाते, खुशी क्यों मनाते? उसी तारीख को तो नबी का विसाल हुआ। वो कह रहा था कि मेरी तहकीक है कि 12वीं शरीफ को 12 तारीख को नबी का विसाल भी हुआ। अब कहते हैं 12 को दुनिया में तशरीफ लाए। चलिए आपकी बात बन लिया कि 12 को पैदा हुए, 12 ही को दुनिया से विसाल फरमाया, तो मातम क्यों नहीं करते? बहुत अच्छे। रोते क्यों नहीं? आंसू क्यों नहीं बहाते? खुशी क्यों मनाते हो? मैंने कहा बेवकूफ की औलाद, आदमी एक वक्त में एक ही काम करेगा, या तो रोएगा या तो हंसेगा। अल्लामा साबित साहब किसी को देखा भी है कि एक ही साथ रो भी रहा हो, हंस भी रहा हो? हमें जब हंसेगा तो रोएगा नहीं, और जब रोएगा तो हंसेगा नहीं। बोला मौलाना इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि गम तुम ले लो, खुशी हमको दे दो।
वफात तुम मनाओ, पैदाइश हम मनाए। बोला मतलब क्या है? मैंने कसम वो तेरा कोई झूठा डालडा मार नबी होगा जो पैदा होके मर गया होगा, तू उसके वफात का गम मना। मगर हम जिसकी मिलाद मनाते हैं, जिस रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अच्छा थक गए क्या आप लोग? अभी तो आगाज हुआ, अंजाम बहुत दूर है। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, जोर से सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंटार की आमद। अच्छा दुनिया में नबी का मिलाद सबसे अच्छा कौन बयान करेगा? हलचल भाई, नक्को शमशे भाई, नामुमकिन अल्लामा साबित साहब, नहीं मैं नहीं। दुनिया में रसूल का सबसे अच्छा मिलाद अगर कोई बयान करेंगे उनकी अम्मी। हमें मिलाद का मतलब क्या है? मिलाद का मतलब है पैदाइश का जिक्र, किसी के पैदा होने का बयान। हज़रत सैयदा आमना से ज्यादा किसको मालूम है कि रसूल की मिलाद के वक्त क्या सीन था, क्या मकाम था? अल्लाह के बाद सबसे अच्छा मिलाद बयान करने वाली सैयदा आमना है। कह दो सुभान अल्लाह जोर से। वालों मैंने सैयदा आमना से पूछा जरा रसूल की मिलाद के बारे में बताइए, रसूल की मिलाद कैसे हुई? मुस्कुरा के फरमाती है कि जब वो नूर मेरे शिकम में आया रजब के महीने में रजब की 28 तारीख को सुबह सादिक के वक्त में वो नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होके सैयदा आमना के शिकमे मुबारक में आया। किताब उठाओ खिलकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो शबे जुमा थी, जुमा की शब थी, चरिंदे परिंदे चहा रहे थे, नूर आ रहा था जा रहा था। सैयद आमना फरमाती हैं रजब की 28 तारीख को शबे जुमा को मेरे शिकम में वो नूरे मुस्तफा मुंतकिल हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने पूछा या सैयद आमना, वो नूरे मुस्तफा जो आपके शिकम में मुंतकिल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? मुस्कुरा के फरमाती हैं क्या क्या बताऊं क्या हुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ, किस अंदाज में बताऊं क्या हुआ। मैंने कहा सैयदा बताइए ना, वो नूरे मुस्तफा जो आपकी शिकम में आया तो क्या हुआ? मुस्कुरा के फरमाती हैं जब मेरे शिकम में वो नूर आ गया तो आलम यह था कि मैं अंधेरे कमरे में जाती थी तो उजाला हो जाता था, रोशनी हो जाती थी, प्रकाश हो जाता था। मेरे दाएं कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मगर आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलैका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। मैंने कहा या सैयद आमना, अब जरा रसूल के बारे में आके बताइए। अल्लामा हलचल सीवानी, मैं आपको बताऊं आपके कदमों को चुमके कि आने वाले की शान क्या है। सैयद आमना कहती है वो नूरे मुस्तफा मेरे शिकम में आया, जब मैं घर से बाहर कदम निकालती थी तो जो पत्थर मेरे कदमों के नीचे आता था वो रुई से ज्यादा मुलायम हो जाता था। उसके मैं आगे का आगे बताइए कि जब मैं भरी दोपहर में बाहर निकलती थी धूप में तो बादल का टुकड़ा मेरे सर पे साया करता था, मैं दाएं जाती वो बादल दाएं, मैं बाएं जाती वो बादल बाएं। मैंने कहा आगे तो बताइए। कहा आगे ये है, मैं पानी भरने के लिए अगर कुएं पे खड़ी हो जाती बगैर ढोल के बगैर रस्सी के पानी जोश मारता हुआ पानी खेलता हुआ कुएं के ऊपर आ जाता था। मोहल्ले की औरतें पूछती थी, आस पड़ोस की औरतें पूछती थी या सैयदा ये चमत्कार क्या हो रहा है, यह असंभव संभव कैसे हो रहा है, ये कहां से बरकत मिली है? तो सैयदा आमना कहती है कि जब से मेरे शिकम में मेरा महबूब आया है मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरा सारा सिस्टम बदल गया है, ये सरकार के आने की शान है। ये तो मुस्तफा मां के शिकम में है। अब पहले ही महीने में सैयद आमना फरमाती हैं नबी मेरे शिकम में आए, पहला महीना, पहला, अरे जोर से बोलो पहला। एक बुजुर्ग आए ख्वाब में,
या सैयदा मुबारक हो, मुबारक हो। तेरी गोद में इमामुल अंबिया आ रहा है, इमामुल अंबिया आ रहा है, इमामुल अंबिया आ रहा है। तो मैंने मुस्कुरा के पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं सबका बाप आदम हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शौराए किराम, मदहाने रसूल, मोहनपुर का खामोश मुसलमान, मोहनपुर का शानदार मुसलमान। दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। बस घड़ी देख के 6 मिनट और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में आने वाले हैं, पहले महीने में हजरत आदम आए, खुशखबरी दे के गए, दूसरे महीने में हजरत शीश, तीसरे महीने में हजरत नूह, चौथे महीने में हजरत सुलेमान, पांचवें महीने में हजरत दाऊद, छठे महीने में हजरत इब्राहिम, सातवें महीने में हजरत इस्माइल, आठवें महीने में हजरत मूसा कलीमुल्लाह, नवें महीने में हजरत ईसा रूहुल्लाह। पता ये चला कि नबी के मिलाद का चर्चा सुन्नियों ने बाद में किया है, अल्लाह के पैगम्बरों ने पहले किया है। अच्छा नबी आ रहे हैं, बस आखिरी पहुंच, नबी की मिलाद, नबी की आमद, मगर बिल्कुल शानदार तरीके से सुनो, लगना चाहिए कि सुन्नी बैठे हैं। हजरत सैयद आमना फरमाती हैं कि जब मेरे महबूब की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मैं सोच रही थी इस वक्त अगर मेरे पास कुरैश की कुछ औरतें होती तो बड़ा मजा आ जाता, मेरी दिल जोई हो जाती। मैं सोच रही थी अचानक 3 औरतें लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत नूरानी चेहरा वो आ गई। मैंने कहा दरवाजा बंद है, आप लोग आई कहाँ से? कहा कि हमको आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। आप कौन है? कहा कि मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ। आप कौन है? मैं हजरत ईसा की अम्मी मरियम हूं। तीसरी आप कौन है? मैं हजरत आसिया फिरौन की बीबी हूं। क्यों आई हैं? आपकी खिदमत के लिए, दिल बहलाने के लिए। हमें दुनिया में कोई ऐसा बच्चा आया है कि बच्चा बाद में आए, जन्नत की हूरे पहले? हजरत हव्वा ने एक गिलास शरबत दिया, हजरत आमना को पी लो। हजरत आमना फरमाती मैंने पिया, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा मैंने पी लिया। इतने में आवाज आ रही, मरहबा 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 मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मंटर की आमद मरहबा, महबूब की आमद मरहबा। हजरत आमना कहती है इसी बीच में रसूल की पैदाइश हो गई। नबी किस वक्त में आए? रात के वक्त में। हाँ, दिन के वक्त में। आप कहेंगे मौलाना दिमाग खराब है क्या? या तो रात या तो दिन। जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश का वक्त हुआ तो रात ने हाथ जोड़ के कहा मौला अपने महबूब को रात में भेजना, रात में भेजना। दिन ने कहा कि मौला अपने महबूब को दिन में भेजना। अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल किया है। ऐसे वक्त में महबूब को पैदा किया है कि अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है, जुल्मत जा रही है, रोशनी आ रही है। नबी पैदा हो गए, कह दो सुभान अल्लाह। उस नबी की मिलाद हो गई। या सैयदा, रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए सबसे पहला क्या काम किया? हमें किताब उठा, किताब का नाम नूर से ज़हूर तक। अल्लामा फैज़ा वैसी पाकिस्तानी लिखते हैं कि नबी इस अंदाज में पैदा हुए कि आते ही सजदे में, आते ही हमें बोलो ना, आप तो ऐसा बैठे हो कि बीवी से वादा करके आए हो कि बोलेंगे नहीं। होम मिनिस्टर, हमें बोलो नबी का मिलाद। एक पार्टी में किसी साहब ने ऐलान किया कि जो बीवी से डरते हैं वो हाथ उठाएं। सब लोगों ने हाथ उठा दिया मगर एक आदमी हाथ बांध के खड़ा था, ताकि हजरत आपको बीवी का डर नहीं है? कहा कि बहुत डर है। कहा फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? कहा बिना पूछे कैसे उठा दे? लगता है कि आप भी परपोज करके आए हैं कि जलसा सुनेंगे मगर बोलेंगे नहीं। सरकार के नाम पे बोल लो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट। सैयद आमना कहती है रसूल तवज्जो, इस अंदाज में पैदा हुए कि आते ही सजदे में, आते ही सजदे में।
बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे बदन में गिलाजत होती है, गंदगी होती है, गर्म पानी में उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, नर्सें डॉक्टर उसकी सफाई करते हैं, मगर सैयद आमना फरमाती हैं कि मेरा शहजादा जब पैदा हुआ तो रोशन रोशन, जगमग जगमग, नूर नूर, खुशबू ही खुशबू, रोशनी ही रोशनी, पूरे जिस्म पे कोई गंदगी नहीं। अब अल्लामा हलचल था, सैयद आमना फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो नाप बुरीदा, माने नाप कटा हुआ था। नाप काटने की जरूरत नहीं, गैब से नाप कटा हुआ था और मख्तून खतना शुदा, मेरे मुस्तफा खतना शुदा पैदा हुए। अब आगे सुनो, ईमान में ताजगी पैदा होगी या सैयद आमना कुछ आगे फरमाइए। तो मुस्कुरा के फरमाती हैं, मेरा महबूब जब आया नाप बुरीदा खतना शुदा, अब उससे आगे बताऊं, उनकी जुल्फों पे तेल लगा हुआ था, उनकी जुल्फों पे तेल लगा हुआ था। दुनिया में कोई ऐसा बालक दिखा दो, दुनिया में कोई ऐसा बच्चा दिखा दो, दुनिया में कोई ऐसा शिशु दिखा दो कि जो पैदा हुआ हो तो उसकी बालों में तेल लगा हुआ हो, उसकी बालों में तेल लगा हुआ हो। सैयद आमना आगे फरमाती हैं, और बताऊं नबी की मिलाद के बारे में। मैंने कहा बताइए, कहना बुरीदा, मैंने कहा सुन लिया, मख्तून, मैंने कहा सुन लिया, बालों में तेल लगा था, मैंने कहा सुन लिया। आगे फरमाती हैं, मेरे महबूब की आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था। मुस्तफा दूल्हा बन के आए हैं, मुस्तफा रहमत बन के आए हैं, मुस्तफा बरकत बन के आए हैं। आखिरी जुमले में इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी आते ही सज्दे में अगर तुमसे कोई पूछे नबी की मिलाद क्यों करते हो, झंडा क्यों लगाते हो, तो वैसा धांसू जवाब दे के जा रहा हूँ कि किसी माँ ने ऐसी ऐसी औलाद पैदा ना की होगी जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे। नबी आते ही सज्दे में चले गए। मैंने कहा या सैयद आमना, नबी जब सज्दे में गए तो आपने सुना कि नबी क्या कह रहे थे? फरमाती हाँ हाँ, मैंने कान लगा दिया कि मेरा बेटा क्या कह रहा है, मेरा महबूब क्या कह रहा है, मेरा शहजादा क्या कह रहा है। और जब मैंने कान लगाया तो मेरा बेटा जो अभी अभी पैदा होकर सजदे में था वो कह रहा है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे हिवा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे। अब अल्लामा सैयद साबित अली कादरी पोस्टर लिख के पूरे मोहनपुर में, गली गली में, कूचे कूचे में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, हर बाजार में, हर मेले में, हर शहरा में लगा दीजिए। अगर कोई पूछे कि मिलाद क्यों करते हो तो सीने पे हाथ मार के कहना कि जब मुस्तफा ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया तो उम्मत ने अपने आका का मिलाद किया, अपने हबीब का मिलाद किया, मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद किया। और ये मिलाद, बस एक मिनट, मिलाद होता था, होता है, कयामत तक होता, हमें जोर से बोलो ना, होता था, होता है, कयामत तक होता। दुश्मन जलता था, जलता है, जलता, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, जोर से बोलो ना, सभी तो खुशियां। अल्लामा साबित साहब आधा मिनट, जब नबी पैदा हुए इबलीस, डॉक्टर इबलीस LLB MBBS, कभी मारना गूगल पे www.iblis.com, उसकी सारी शैतानियत निकल के सामने आएगी, कितना बड़ा हराम खोर है, मगर वो भी रसूल की मिलाद से फायदा उठा गया। अच्छा, आजकल रसूल की उम्मत कहलाने वाले लोग रसूल की मिलाद का इनकार करते, मगर इबलीस काफिर होने के बावजूद मिलाद का फायदा उसको मिला। जब अल्लाह ने इबलीस को ऊपर से फेंका, जा, निकाला, लानत का तौक गले में डाल के निकाला, तो अल्लाह की तरफ से हर एक घंटे में उसकी गुद्दी पे यहाँ पे एक फिरिश्ता घुसा लगाता था, उसको बड़ी तकलीफ होती थी इबलीस को, हर घंटे पे ले
गुस्ताखी की सजा ले, सजदा ना करने की सजा ले, अजीम नबी ना करने की सजा ले। हर घंटे में एक गुस्सा पड़ता था और उसको ऐसी तकलीफ होती थी, ऐसा दर्द होता था कि वो हाय हाय करता था। मगर जब नबी पैदा हुए, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जब रसूल पैदा हुए तो इबलीस ने अपना दामन फैला के कहा कि मौला मैं काफिर हूँ, मुझे पता है नाफरमान हूँ, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है आज तेरा हबीब आया है, आज तेरा रसूल आया है, आज तेरा महबूब आया है, सारी कायनात को सदका मिल रहा है, सबके दामन भरे जा रहे हैं, सबकी तमन्ना पूरी हो रही है। ए अल्लाह एक एहसान कर दे कि हर घंटे जो फरिश्ता मुझे घुसा मारता है ना, मुझे इस मुसीबत से बचा ले, इस तकलीफ से बचा ले, इस तकलीफ से बचा ले, महबूब की मिलाद की बरकत से बचा ले, महबूब की आमद की बरकत से बचा ले। तो रब की रहमत ने जवाब दिया, ठीक है तूने महबूब का वसीला दिया है, मेरे प्यारे का वसीला दिया है, जा तू तो काफिर है, काफिर रहेगा, जहन्नमी है, जहन्नमी रहेगा, लानती है, लानती रहेगा। मगर तूने जब महबूब का वसीला दिया है तो हर घंटे जो तेरी गुद्दी पे वो घुसा लगता है, आज से मैंने बंद करवा दिया है, आज से मैंने निजात दे दी है, आज से मैंने तुझको आजाद कर दिया है। हमें सोचो कि जब काफिर को मिलाद का सदका मिल सकता है तो हम तो आशिकान रसूल हैं, हम तो आशिकान मुस्तफा हैं, हम तो आशिकान आला हजरत हैं। सैयद साबित अली के कदमों को चूम के ये आखिरी मिसरा पढ़ के चिश्ती याब से जुदा होता है कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से एक नूर, एक रोशन किताब। सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गयूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलाम अलैकुम।